आई गाई इज़ वेलकम बैक टू अनदर वीडियो सो बेसिकली मैं अभी आज मुंबई में हूँ एंड जो ये मेरी फ्लाइट थी इसमें मैं 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 और शामिक भाई हम लोग तो साथ में कुछ फुटबॉल ऑब्वियसली डिस्कस कर रहे थे दो घंटे के फ्लाइट थे तो हम फुटबॉल के बारे में बात कर रहे थे तो शामिक भाई ने हम उसे कुछ क्वेश्चन पूछे एंड हम ऐसे डिस्कशन में थे एंड ये दो तीन क्वेश्चन जे ना मेरे को लगा बड़े इंटरेस्टिंग हैं इनके ऊपर हम एक्चुअली में वीडियो बना सकते हैं और दिस इज वेरी रिलेटेड टू द करेंट सिनैरो जो भी हो रहा है तो हम डिविएट नहीं करने वाले हैं टॉपिक से सो पहला जो क्वेश्चन था एंड दिस आप भी आंसर कर सकते हो साथ ही साथ इस बारे में कि इस आर्टेटाज़ आर्सनल फेलियर या फिर क्या आर्टेटा का जो टेनर था फेलियर है पिछले पांच सालों में देखें आर्टेटा ने इस टीम को एक बार टॉप फोर फिनिश दिलाई नॉक डॉट और दिस वुड बी ओनली वुर इसके अलावा अगर तुम टाइटल्स देखोगे तो भाई एक एफ ए का दो कम्युनिटी शील्ड है ठीक है सेवन हंड्रेड मिलियन यूरोपेंड बड़ाउंट है बहुत बड़ा अमाउंट है एंड आर्सल इतना टाइटल है एफए कप दैट्स अ प्रॉमिनेंट टाइटल बेयर तो इज दैट टेन्योर अ फेलियर मैं पिछले पंद्रह साल पीछे जाना चाहता हूं मैं चाहता हूं हम हम एक्चुअली उस एरा में जाएं जहां पे आरसीन वेंगर मैनेजर थे बहुत ज्यादा सक्सेसफुल वो एरा था आरसल के लिए ऑब्वियसली हमें पता है कि व्हाट काइंड ऑफ अ टीम व्हाट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस व्हाट काइंड ऑफ फुटबॉलिंग स्टाइल दे यूज्ड टू हैव बट वो जो लास्ट टाइटल उन्होंने जीती ना 2004 के बाद से यार उसके बाद से भाई बहुत मुश्किल उनका गया है तो वॉट आई वॉन्ट टू से अबाउट आर्टेटा इज फ्रॉम द टाइम जहां पे आरसीन वेंगर ने क्लब को छोड़ा उसके बाद से काफी टॉपसी टर्वी उनका सीजन रहा है भाई काफी लंबे समय के बाद सात साल बाद वो चैंपियंस लीग में यहाँ पे क्वालिफाई किए थे तो देखो कई लोग उसे कहते हैं यार सात मिलियन यूरो स्पेंड कर दी हो आप, आपको एटलीस्ट भाई टाइटल जीतनी चाहिए बट यार ये प्रीमियर लीग है एक्चुअली लोगों को लगता है कि भाई इतना पैसा खर्च करो टाइटल ले जाओ इट इज नॉट लाइक दैट

रिटेड रख सकते हो चेंजेस रिक्वायर्ड हैं तो भाई वही सेम ओल्ड प्लेयर्स आएंगे अच्छा भाई ठीक है इस साल भी हमें यही करना है इस साल भी हमें यही करना है सो so, पेप ने यही बात कही थी कि यार वो अपनी टीम को हमेशा शफल करता है चेंज करता है सो दैट वो कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन बना रहे प्लेयर्स में अब ये बहुत डिफरेंट है फ्रॉम द सिनेरियो ऑफ मिकेल आर्टेटा बिकॉज़ उसको अपनी टीम के प्लेयर्स के लेवल्स को एलिवेट करना था नोइंग ही हैड इनहेरिटेड अ वेरी यंग टीम तो जो आर्टेटा की जो टीम थी बहुत यंग थी भाई बुका साका मार्टिनेली काफी गैब्रियल मागल है सालीबा ये सब प्लेयर्स प्रूवन नहीं थे मिकेल आर्टेटा के अंडर आज आकुट से भाई सलीबा मगल हाइस वर्ल्ड क्लास डिफेंडर्स बन चुके हैं सलीबा भाई रॉल्स रॉयस कहते हैं उसको बेनो वाइट सेंट बैक से राइट बैक शिफ्ट किया उसने रैम्सडेल पिछले साल उससे उससे साल पहले तक भाई टॉप गोलकीपर अभी तुम देखो राया तो उनका सिस्टम परफेक्ट बहुत प्यारा फुटबॉल खेला है उन्होंने एक्चुअली में आर्टेटा की ऐसी टीम है जो कि फुटबॉल ब्रिलियंस भी दिखाती है हमें ब्यूटीफुल फुटबॉल भी वो दिखाती और दे ऑल्सो शो द क्वालिटी की येस दैन गोन विंडर टाइटल्स बट भाई प्रीमियर लीग है यार मजाक नहीं है चैंपस लीग है इतने टाइम से कट ऑफ रहने के बाद ठीक है स्पेंडिंग की आप विदाउट स्पेंडिंग आप आप कैसे अपनी टीम को इंप्रूव कर सकते हो तीन चार प्लेयर्स तुम प्रमोट करोगे ना यार अपनी जूनियर टीम से तो उन्होंने किया भाई उनके हैं एक दो प्लेयर्स आ रहे हैं अगले साल में तुम देखोगे एक दो प्लेयर्स आएंगे यहां पे उनके फर्स्ट टीम में बट भाई दे हैव हाँ टू तो मेक दो चेंजेस दो वेरी इंपॉर्टेंट चेंजेस नाउ इन द टीम ये जो ये आर्टेटा अपनी किताब बना रहा है ना ये जो अपने एक एक करके पेज लिखे जा रहा है ना इनमें कुछ लास्ट के फर्रही मिसिंग है भाई लोग ये एक डीएम एक स्ट्राइकर और एक सेंटर बैक लेफ्ट बैक मतलब कुछ कुछ चीजें हैं दो तीन साइनिंग अवे हैं ये टीम एक प्रॉपर परफेक्ट टीम बनने से एंड नाउ इट वुड डिपेंड अपॉन मे के लाटेरा सो so, मेरे को ये फेलियर नहीं लगता है मेरे को एक ये इन्वेस्टमेंट लगती है मेरे को ये एक बिल्ड लगता है मुझे ये लगता है कि इसने इस क्लब को एक्चुअली में बहुत ज़्यादा डिटेरिएशन वाले सिनारों से उठा के ऊपर लाया है एंड नाउ अब उसने इस टीम को ऐसा बना दिया कि ये अगले एटलीस्ट छः सात सालों तक कॉम्पिटेटिव हो जाएगी तो दिस इज वॉट ही एज बिल्ड और भाई ही वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग मैनेजर्स इन द प्रमिली राइट नाउ पांच साल उसको हो रहा है कंप्लीट होएगा उसका पचवा साल छठवा साल स्टार्ट होगा तो भाई आई थिंक यहाँ पे लोग थोड़ी सी कम रिस्पेक्ट करते हैं एंड वी ऑल्सो हैव टू रिम्बर हीज अंग मैनेजर

उनको इतना आइडिया नहीं है बट भाई तुम्हें और मुझे पता है कि प्रेमी लीग को थ्री टाइम्स बैक टू बैक जीतना कितना डिफिकल्ट है एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फीट्स और अगर पेप अभी इस साल चौथे बार प्रेमीग जीत गया ब्रो, तो दिसली द फर्ट टाइम दैट विल है हिस्ट्री तो ये सिटी की टीम को कहां से कहां ले गया एक कितना बड़ा जंप दिया सिटी को ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट है आई वुड नॉट डिनाई दैट बट भाई पैसों का इस्तेमाल है पैसे सबके पास आते हैं भाई यूनाइटेड फैम से पूछो भाई चेल्सी पास भी पैसे हैं पीएच पास भी पैसे हैं बाहर से पास पैसे आए ठीक है क्या हाल हुआ उनका बहुत ही कम टीम है जिनको एक्चुअल पता है कि अपने पैसों का इस्तेमाल कैसे करना है भाई देखो पेप गोडियोला एक मूडी मैनेजर है वो प्यार से पिक करेगा अपनी टीम के बेस किया मैं इस टीम में जाऊंगा बिकॉज को उस टीम में प्रोजेक्ट दिखता है एंड आई थिंक ये बात कई लोग कहते हैं ना कि

अभी एवरी टीम इज नाउ वांटिंग टू प्ले दैट वे तो क्या पेप फुटबॉल को बोरिंग बना रहा है अब इसके दो वर्जन है क्या टाइटल जीतना बोरिंग है आपके लिए या फिर आपको पेप का फुटबॉल पसंद नहीं है बिकॉज वो बहुत ज्यादा इंट्रिकेट फुटबॉल पासिंग के ऊपर डिपेंड करता है एंड डू अंडरस्टैंड वो बोरिंग हो जाता है बट अगर, अगर आप देखो हाइंड साइड में तो भाई इट इज वेरी इंटरटेनिंग मैं तो मैं तो हमेशा मैं मैं ग्लू टू माई टीवी स्क्रीन से रहता हूं जब भी मैं पेप गोडियो देखता हूँ कि भाई आज क्या करने वाला है बंदा आज क्या डिफरेंट हो रहा है भाई इस पेप की टीम में कभी मैं देखता हूँ गोडियोल चढ़ गए ऊपर विंग पे कभी स्टोन आ जाते हैं मिड में सो

पेप आई थिंक इस मॉडर्न एरा में वन ऑफ द फ्यू मैनेजर्स होगा जो कि ब्यूटीफुल फुटबॉल के साथ सक्सेस गारंटी करता है लाइक ही वुड वॉन्ट इस टीम टू प्ले ग्रेट फुटबॉल एंटरटेनिंग फुटबॉल एंड दैट वल्सो मीन पैरली सक्सेस मिल सकता है आपको बट देन अगेन ये एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है जहां पर यू नो काफी सारे डिसअग्रीमेंट्स हो सकते हैं डिफरेंट ओपिनियंस हो सकते हैं भाई भाई फुटबॉल तो ये है ना यार फुटबॉल को तो डिस्कस करने ही के लिए तो होता है यार की आप और मैं बैठे हैं ऐसे बातचीत करें सो so, ये आप मुझे बता ना वॉट डू थिंक क्या चार टाइटल्स इनर हो जीतने का मतलब एक फुटबॉल बोरिंग कर दिया पेप ने आई थिंक पेप गोडियोला नेक्स्ट ईयर भी अपनी टीम को बदलेगा क्या वो ऐसा कहेगा अपने प्लेयर्स से कि वो नेक्स्ट ईयर भी आएंगे तख्त पर रहेंगे कि भाई मैं पचुवी टाइटल के लिए जाऊँ तुमको पता पेप गॉडल के ड्रेसिंग रूम में क्या लिखा है नो बड़ी हैज वन द प्रीमियर लीग फोर टाइम्स येट अगले साल वो चेंज होकर फाइव हो जाएगा भाई दीज प्लेयर्स ये ये बॉन्ड लीडर्स हैं ये फाइटर्स हैं और ये ये वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं भाई इनको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए बढ़िया पड़ती है टॉप लेवल पे कभी कभार भाई आप चांप्स लीग खेल रहे हो या फिर प्रीमियर लीग के क्रंच क्लासेज वहाँ पर चाहिए एंड दैट्स वाई यू हैव गॉट पेप एंड आई थिंक आई एम ओवरली एक्साइटेड अगेन फॉर नेक्स्ट सीजन कि पेप क्या करने वाले हैं एंड भाई लोग जो आखिरी क्वेश्चन था जिसके बारे में हमने बात किया कि क्या जावी को सैक करना चाहिए सो so बेसिकली आपको पता है कि सीनारो क्या है अभी करंटली बार्सिलोना पे कल वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा जो मेस है मैं वो मेस डिस्क्राइब नहीं करूंगा यहाँ पे आप वो वाला वीडियो देखना चेकआउट करना मैं लिंक भी कर दूंगा आप वो देख सकते हो ठीक है उसके बाद ये वाला पार्ट कंटिन्यू कर लेना बेसिकली क्या जावी को सैक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए देखो यार ये बात मतलब मेरा ओपिनियन जो है ना कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस सिनारो पे जहाँ पे भाई बार्सिलोना के पास वो फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है मैं ये बात खुल के बोल पाता हूँ लपोटा तो नहीं मेरे को गिर आता है ये बात जावी ने बोली लपोटा गुस्सा कर गया भाई मतलब इट्स सच एन एविडेंट थिंग सच एन नॉर्मल थिंग तो से कि भाई भारसा फाइनेंशियली वीक है एंड दिस इज वॉट गॉट लपोटा वेरी वेरी एंग्री एंड भाई लपोटा ने जावी को कॉल किया वो बात किया एंड भाई जैसी रिपोर्ट सीख भाई कि जावी मोस्ट प्रोबली साख हो सकता है एंड अनाथ ये बेसिकली रूमर्स हैं ठीक है बहुत स्ट्रॉन्ग रूमर्स हैं बट स्टिल रूमर्स ही हैं स्टिल डोंट नो कि भाई लपोटा की जावी से क्या बात हुई है बट देने के लेट्स पॉन्डर ऑन इट फॉर अ वाइल्ड कि क्या जावी को साख होना चाहिए मुझे ऐसा लगता है यार कि लपोटा थिंग्स कि शायद यावी चीज, चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है बिकॉज यार देखो दो परस्पेक्टिव है यहाँ पे साइड्स बिल्ड हो रहे हैं एक जावी का साइड बिल्ड हो रहा है क्लपोटा का साइड बिल्ड हो रहा है और यहाँ पे फैंस प्लड हो रहे हैं डू अंडरस्टैंड वेरी फेयर फॉर यू मुझे पता है भाई जावी के अगेंस्ट भी आर्गूमेंट है अग्री विद दैट तो ऐसा मुझे लगता है कि सिक्सटी फोर्टी डिवीजन है साठ चालीस इधर जावी जावी के साइड सिक्सटी और लपोटा के साइड भी कुछ लोग हैं जो कि कहते हैं भाई लपोटा ने क्या गलत किया भाई लपोटा ने तुमको लेवान्डोस की दिया कूडे दिया रफिनिया दिया तुमको जो प्लेयर्स ये तुमको वो प्लेयर्स ला दिया है एंड यू स्टिल हैवेंड वन एनी ठीक है कुछ ऐसा मेजर तुमने जीता नहीं है एक टाइटल थी जो कि भी आपने पिछले साल जीती थी अगेन इस साल आप कॉम्पिटेटिव नहीं हो पाए हो एंड यहां पे लपोटा को ये लगता है ना क्योंकि बोला कि इस टीम को अगेन कुछ चेंजेस की जरूरत है साइनिंग्स की जरूरत है मैं डेको के साथ बैठूंगा बात करूंगा टीम को और इम्प्रूव करेंगे एंड कहीं कहीं ना लपोटा मुझे लगता है इस बात से अग्री नहीं करता है कि इस टीम में और चेंजेस की नेसेसिटी है उसको लगता है भाई जो प्लेयर्स अवेलेबल है उनके साथ आप बेटर करो और ये उसको क्यों लगता है आई थिंक ही सम हाउ हेज गॉट दी भाई मे बी एनी अदर मैनेजर लाइक हानसी फ्लिक वुड डू अ बेटर जॉब दैन वॉट जाविज डूइंग विद दिस स्क्वाड समझ रहा हूँ मतलब भाई सिंपल कि हाँ फ्लिक ने कहीं से कहा है लपोटा को ये लगता है कि भाई मैं इस टीम के साथ बेटर करूंगा या तो ये लपोटा को बिलीव है या तो फिर बात उसके कहीं ना कहीं हो रखी है आई स्टिल डोंट थिंक कि यार जा, लपोटा जावी के बिहाइंड जाके किसी और मैनेजर से बात करेगा आई डोंट थिंक सो बट ये बात एक अंडरस्टैंडिंग कॉमन नॉलेज है आप भी बताओ आपको लगता है क्या हान से फ्लिक इस के साथ बेटर कर पाएगा वन ऑफ सीजन में मे मे बी बी आप सोचोगे ना सोचोगे ना शायद so, यही चीजें हैं जो कि शायद लपोटा सोच रहा है यही उसी को लगता है कि जावे अनग्रेटफुल है इन चीजों को लेकर बट जावे का परस्पेक्टिव क्या है कि भाई तुम इस साल की परफॉर्मेंस देख लो ठीक है वी डिड नॉट हैव द प्लेयर्स बुस्केट्स नहीं था हमारे पास एक डेम की बहुत बड़ी कमी थी एंड डेको ने नहीं प्रोवाइड किया उनको वो प्रोफाइल वी गॉट ओरल रिम्यू एंड भाई उनको लाकर विद रॉके देते हैं विद रॉके वाला पार्ट किनारे रखो तो भाई बात ये है इसी टीम के साथ हमने इस साल सारी टाइटल हारे हैं वी हैव गॉन हारोफी ये एक्सेप्टेबल नहीं है एज अ बारसा फैन और भाई भाई प्रेसिडेंट भी आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा लपोटा क्या कर रहा है इन चीजों में वो भाई एक पॉलिटिशियन है उसको भाई क्लब के बस ध्यान देना है क्लब का ध्यान देना है बट एक बात मैं कह सकता हूं कि यार मुझे नहीं लगता कि लपोटा क्लब को डाउनफॉल मिले जा रहा है या फिर लपोटा इस क्लब का डाउनफॉल चाहता है आई डोंट थिंक सो लपोटा इज द न्यू भारत मू कुछ लोग ये भी कह रहे हैं मेरे को नहीं लगता आई थिंक लपोटा वॉन्ट्स टू टेक द क्लब इन द फॉर्ड डिरेक्शन बट एक प्रॉब्लम लपोटा की है उसको ये लगता है कि भाई मेरा ही वर्जन मेरा ही रास्ता सही है उसको ये नहीं लगता कि भाई याविक रास्ता या फिर एक साथ बैठ के एक जुट में कोई अगर हम डिसीजन ले तो वो दैट वुड वर्क लपोटो को लगता है भाई जो मैं डिसाइड कर रहा हूँ जो मैं सोच रहा हूँ मुझे लगता है कि वही सही है उसी डायरेक्शन में प्रोसीड करना चाहिए ना अगर कोई उससे डिसग्री करता है तो भाई उसको हटाओ जैसे उसने क्या किया गार्से पेमिंदा के साथ किया माटू वाली बानी के साथ किया जॉडी क्राउट के साथ किया तो ऐसे हमने कितने इंस्टांसिस देख लिए हैं जिनके साथ ये हुआ है तो इससे ये हमें पता चलता है बट यार मेरे को नहीं सीरियसली ये लगता है कि लपोटा क्लब का ना फॉल चाहता है आई थिंक ही वॉन्ट्स टू वर्क इन द राइट डायरेक्शन बट देन अगेन वी की हैव टू आस्क द क्वेश्चन और जयावी भी बहुत दूर का

लीग में पीएसजी से हारी यही टीम है जो आर्थरेडिक क्लब से हारी है एक दो एडिशन के बाद तो मुझे लगता है कि ये टीम इतनी केपेबल हो जाएगी कि यह मड्रिड से टो तो टो तो टो तो तो बैटल कर पाए पूरे सीजन में मड्रिड से मैं पूरे सीजन दो बार खेलना है लालीगा में कंपटीशन डायरेक्ट उनसे नहीं है कंपटीशन बाकी टीमों से है, और यहाँ पे प्रॉब्लम बारसा की है कि मडर तो तुम किनारे रखो बाकी टीम के अगेंस्ट भी तुमने ढंग से कम्पीट नहीं किया लीग हम क्यों हारे क्या दो मैचेस की वजह से हम लीग हारे हैं नहीं बॉयज लीग हम हारे हैं कि हम बाकी टीम के अगेंस्ट अच्छे से कंपीट नहीं कर पा रहे हैं ये बड़ी प्रॉब्लम है टेस्ट सेगन के इंजुरी हमारा फॉर्म टॉप प्लेयर्स का मिस करना लेवाडोस की गायब थे अब बात अगर कर ले लास्ट में वितर रॉके की बहुत लास्ट में करूँगा क्योंकि मैं यहाँ पे वितर के बारे में ऑलरेडी बात कर चुका हूँ यार मेरे को वो सीन ना बड़ा बेवकूफ़ी वाला सीन लगता है मेरे को लगता ही नहीं कि भाई लपोटा और डेको के इन्वॉल्व होना चाहिए भाई तुमने प्लेयर लाके दिया अब जो जावी के ऊपर है सीरियसली मैं बताऊँ क्यों एक और एग्जाम्पल लूंगा मैं ट्रांसफर का आपका प्लेयर है ब्रियन जारागोसा वो ज्वाइन किया टॉमस टुकल की टीम बायन पे ठीक है अब बायन उसे उसे एक बार ही पूछा गया है कि भाई जारागोसा का क्या है कहता है भाई बंदा अभी यंग है अभी आया है लैंग्वेज बैरियर है ही इज़ नॉट एट द लेवल बट वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है वो खेलेगा आगे ठीक है एंड आई डोंट सो एनी बान फैन गॉड ऑफेंडेड या मीडिया में बाकी इसका बहुत बड़ा फस बनाया गया मेरे को नहीं लगता ब्रैंडारोसा भी चिल्ले भाई ठीक है उसको मौका मिलेगा वो मिला भी पिछले मैच में वो किसने खेला भी बट पूरे सीजन वो वो गायब रहा आधे सीजन जब से वो जनवरी में आए तो टू कंपेयर भाई वीतर रॉके का भी सेम सीन है बट यहाँ पर बड़ी न्यूज बनती है बारसोलोना है ना कैसे भी आपको मैनेजर को पिक करना है वो बंदा टूकल निकलेगा भाई टुकल निकल लेगा वहाँ से चुपचाप से तो किसको ब्लेम करोगे फिर ब्रांस आरोगोसा क्लब की साइनिंग थी अब नेक्स्ट मैनेजर का सिरदर्द है भाई वो बट यहाँ पे वीतर रॉके भाई ठीक है अगर वो आए हैं अगर जावेन उनको जितना भी स्टार्ट किया अगर वो खुद कहता है भाई ये बंदे को भी टाइम लगेगा तो आई थिंक आई वुड वॉन्ट टू ट्रस्ट माई मैनेजर यार मेरे को नहीं लगता मैनेजर ने किसी और प्लेय के साथ ये 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 बक चूरी की है तुम लगता किसी और प्लेय के साथ उसने एडजस्ट किया हो एक और नाम आता है कसाडो तो हो सकता है भाई यहां पे अगर यमाल खेले कुबारसी खेले फरमिन खेले फोर्ट खेले इतने सारे प्लेयर्स अगर हमारे लामासिया से खेल रहे हैं अगर वो उनको मौका मिल रहा है हो सकता है ये दो प्लेयर में खोट हो

वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को बेल नोटिफिकेशन आइकन दबा देना और लाइक करना मत भूलना मैं मिलूंगा आप लोगों से वेरी सुन मैं हूँ मुंबई में और काफी अच्छा कंटेंट ड्रॉप होने वाला है वेरी वेरी सुन तो मिलते हैं तब तक लिए, टेक केयर एंड पी आउट